देश की राजधानी दिल्ली में 9 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ दलित शोषण मुक्ति मंच और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के संयुक्त बयाना तले कला मंदिर से ओवर ब्रिज होते हुए झंडा चौक तक आक्रोशपूर्ण विरोध मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व दलित शोषण मुक्ति मंच के जिला सचिव महेंद्र तुरी और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की संयोजक पूर्णिमा राय ने किया। झंडा चौक पर दिनेश रविदास की अध्यक्षता में हुई सभा को संबोधित करते हुए सीटू नेता संजय पासवान ने कहा कि दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या करने वाले अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई किया जाना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी अमित शाह के नेतृत्व वाली गृह मंत्रालय की है, जहां अपराधी बेखौफ हैं। उन्होंने कहा कि मामले की प्राथमिकी दर्ज करने में भी पुलिस ने देरी की, यही कारण है कि यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि शुक्रवार को फिर से 6 साल की बच्ची के साथ अपराधियों ने बलात्कार किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के राज्य में छोटी बच्ची से लेकर लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। राजधानी में कानून व्यवस्था चौपट हो गया है। वहीं महिला नेत्री पूर्णिमा राय ने कहा कि मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जुमला था, आज देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी करना होगा। विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मांग किया गया कि हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ दायर मामले का निष्पादन फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया जाए, ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने में देर न हो। उन्होंने कहा कि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़ित के परिवार को ही 15 घंटों तक दिल्ली कैंट थाने में बैठाए रखा और प्राथमिकी दर्ज करने में भी देरी की। विरोध प्रदर्शन में किसान सभा के असीम सरकार, रामचंद्र राम, अशोक रजक, रविंद्र भारती, शिव पूजन पासवान, हरेंद्र राम, बाबू दास, नजरुल इस्लाम, दिलीप दास, राजू दास, प्रदीप दास, अशोक भूया, जेठा भूया, यशोदा देवी, रेखा देवी, रीना देवी, कविता देवी, गुड़िया देवी, दुलारी देवी, माया देवी सहित दर्जनों लोग शामिल थे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।